हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। 7 अगस्त का करंट अफेयर आप लोगों के सामने मैं ले आया हूँ और थोड़ा लेट से डाल, ठीक है, इससे ज़्यादा जल्दी मैं नहीं डाल पाऊँगा अभी तो मैंने, और बच्चे जुड़ेंगे तो मैं पंक्चुअल क्लास सब कर लूँगा। मैथ का, मैथ के लिए अलग टीचर है, रीजनिंग में ही पढ़ाऊँगा, बैंकिंग अवेयरनेस नहीं पढ़ाऊँगा और करंट अफेयर दोनों डाल ही रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि द नेशनल हैंडलूम डे इज बीइंग ऑब्जर्व एवरी ईयर on to honor the handloom workers in the country। जो देश में जो हैंडलिंग जिसमें कि बुनकरों का सम्मान करने के लिए जो हर वर्ष राष्ट्रीय बुनकर दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है? वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। ये जो नेशनल हैंडलूम डे है वो 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसको थोड़ा इंग्लिश में सुन लीजिए कि द नेशनल हैंडलूम डे इज बींग ऑब्जर्व एवरी ईयर ऑन 7 अगस्त टू ऑनर द हैंडलूम वेवर्स इन द कंट्री एंड ऑल्सो कार्टर एंड एम्पिटियस टू इंडियन हैंडलूम इंडस्ट्रीज। दिस ईयर इट वॉज द 4th edition ऑफ द नेशनल हैंडलूम डे आफ्टर इट वॉज इंस्टीट्यूटेड इन 2015। ठीक है, ये 2015 से शुरू किया गया था और ये 4th edition मनाया जा रहा है। फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेकर एस्कॉर्ट्स अपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। ये जो फॉर्म और निर्माण, इसी यही काम है इसका। एक फार्म भी है, निर्माण उपकरण भी निर्माता है, स्पॉट्स बहुत बड़ी कंपनी है और स्पॉट्स हॉस्पिटल भी है। MD ग्रुप में किसे नियुक्त किया गया? ये निखिल नंदा को नियुक्त किया गया है स्पॉट्स के रूप में। ये निखिल नंदा को, ये द फार्म एंड कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट मेकर स्पॉट्स अपॉइंटेड एज मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल नंदा। गूगल्स लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट नेम्ड वॉज ऑफिशियली रिलीज टू कस्टमर फॉलोइंग ए बीटा टेस्टिंग पीरियड। बीटा जो है एक परीक्षण है, टेस्ट है। अवधि के बाद जो गूगल के नवीनतम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट किया है उसका नाम क्या है? तो ओरियो तो था ही, तो ओरियो तो नहीं है, तो ये है एंड्रॉयड पाए। ये क्या है? एंड्रॉयड पाए। और बस, और इसमें और इंग्लिश में सुन लीजिए इसको कि गूगल्स लेटेस्ट एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट एंड्रॉयड पाए, इसको पूरा नाम ऐसे है एंड्रॉयड 9 पाए, जैसे एंड्रॉयड पाए ही बोलते हैं इसका। नहीं, पूरा नाम अगर पूछा जाए कि इसका जो नया अपडेट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम वो एंड्रॉयड 9 पाए है। वाज ऑफिशियली रिलीज टू कस्टमर फॉलोइंग ए बीटा टेस्टिंग पीरियड दैट स्टार्टेड अर्लियर दिस ईयर। द इंडियन वुमेन चेस टीम एट द नेशनल कप 2018 क्लिंच्ड द गोल्ड इन द ब्लिज्ड इवेंट हेल्ड इन एशियाई राष्ट्र कप 2018 भारतीय महिला शतरंज टीम ने आयोजित है बिल्टर समारोह में स्वर्ण पदक जीता। वो कहाँ आयोजित किया गया था? वो ईरान में आयोजित किया गया था। ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी, जो कि दोबारा इलेक्ट हो गए हैं। इंग्लिश में सुनिए इसको आप लोग। द इंडियन वुमेन चेस टीम एट द एशियन नेशनल कप 2018 क्लिंच्ड द गोल्ड इन द ब्लिस्ट इवेंट हेल्ड इन ईरान। इट्स इंडियन फर्स्ट गोल्ड मेडल फिनिश एट द इवेंट सिंस 2014। दे ऑल्सो वॉन सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इन द रैपिड एंड क्लासिकल कैटेगरीज रिस्पेक्टिवली। द टूर्नामेंट बिगैन इन द ईरानियन सिटी ऑफ द हेमेडन एंड कैपिटल ऑफ ईरान इज द तेहरान एंड द प्रेसिडेंट ऑफ द ईरान इज हसन रूहानी। इट्स क्लियर। पैसिफिक इंडेवियर 2018 ए कम्युनिकेशन एक्सरसाइज अंडर द मल्टीनेशनल कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम वाज हेल्ड रिसेंटली। जो अभी अभी ये क्वेश्चन ये बताना चाह रहा है कि जो प्रशांत प्रयास इसको करते हैं, प्रशांत पैसिफिक क्वेश्चन होता है उसी है प्रशांत महासागर, उसी तरह प्रशांत प्रयास 2018 एक बहुराष्ट्रीय जो है संचार इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम है, इसको कि MCIP करते हैं, मल्टीनेशनल कम्युनिकेशन इंटरओ पैरेबिलिटी प्रोग्राम के तहत हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया है? ये नेपाल में आयोजित किया गया है और ये 12 दिन का एक्सरसाइज होगा। ये 12 दिन का एक्सरसाइज होगा और बस इसमें अभी क्या क्या बताएंगे, नेपाल की राजधानी काठमांडू है और यही काठमांडू में ही एक्सरसाइज 12 दिन के लिए किया जाएगा। नेपाल के राष्ट्रपति हैं देवी विद्यादेवी भंडारी और नेपाल के जो PM हैं वो हैं खड़गे प्रसाद ओली। अब इसको इंग्लिश में सुन लीजिए। पैसिफिक इंडेवियर 2018 ए कम्युनिकेशन एक्सरसाइज अंडर द मल्टीनेशनल कम्युनिकेशन इंटरऑपरेबिलिटी प्रोग्राम स्टार्टेड इन काठमांडू नेपाल
and Kathmandu is the capital of Nepal. The basic objective of 12 days exercise is to develop human communication routine procedure to enable military force in the Asian Pacific region to collectively work in the wake of disaster. In which of the state the world's first ever thermal battery plant was unveiled recently to boost renewable sources of energy production and reduce the dependence of non-renewable fossil fuel-based energy generation? जो निम्नलिखित में से किस राज्य में दुनिया के पहले थर्मल बैटरी संयंत्र का हाल ही में ऊर्जा उत्पादन के अक्षय स्रोतों को बढ़ावा देने और गैर नवीकरण जीवाश्म ईंधन ऊर्जा आधारित के लिए काम करने के लिए अनावरण किया गया? ये आंध्र प्रदेश में किया गया है। ये बहुत बड़ा ही थर्मल पावर है, इंडिया का फर्स्ट स्टेट है ऐसा। आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम है चंद्रबाबू नायडू और आंध्र प्रदेश की जो गवर्नर है वो ई एस नरसिम्हा है। और ये चंद्रबाबू जो नायडू है वो इंडियंस रिचेस्ट चीफ मिनिस्टर्स हैं, सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं, लिस्ट सूची आई थी। और ये 8,000 करोड़ के मालिक हैं, इन्होंने इतनी संपत्ति को दिखाई है तो बहुत, लेकिन 8,000 करोड़ के ये मालिक हैं और ये सबसे ज़्यादा रिचेस्ट हैं। और दूसरे हैं पेमा खांडू जो कि अरुणाचल प्रदेश के सीएम, वो भी सीएम के बेटे ही थे, हैं ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश है, यही जो है ये बढ़ावा देने के लिए जो बैटरी, जो थर्मल बैटरी प्लांट है वो आंध्र प्रदेश में लगाया जा रहा है। इंग्लिश में सुनिए कि द वर्ल्ड्स फर्स्ट एवर थर्मल बैटरी प्लांट वॉज अनवील्ड इन आंध्र प्रदेश बाय द स्टेट चीफ मिनिस्टर एन चंद्रबाबू नायडू, मैन्युफैक्चर्ड बाय द भारत एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड डिस्ट के द्वारा किया जा रहा है। द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड बैटरीज विल एम टू पुश रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी प्रोडक्शन एंड रिड्यूस द डिपेंडेंस ऑन नॉन रिन्यूएबल फॉसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी जनरेशन। रूसा इज ए सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन 2013 एम्स इट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। व्हाट डज यू स्टैंड फॉर इन रूसा? जो रूसा है एक केंद्र प्रायोजित योजना है ये, जैसे कि 2013 में लॉन्च किया गया था। और या जो योग्य राज्य उच्च शिक्षा संस्थानों को रणनीति में वित्तीय पोषण प्रदान करने का लक्ष्य रखता है, यही है रूसा। रूसा का फुल फॉर्म आपको पूरा बताते हैं, ये है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान, यही है रूसा। और इसका स्पॉन्सर लेता है सेंट्रली स्पॉन्ज स्कीम, CSS लिखा हुआ है, सेंट्रली स्पॉन्ज स्कीम, यही इसको लॉन्च किया है 2013 में। इसका जो लक्ष्य है वो है, क्या लक्ष्य है कि जो प्रोवाइड करता है, किसको फंड प्रोवाइड करता है, फंडिंग करता है, जो कि एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है उसको वो आगे बढ़ाता है, ठीक है। तो यही है, क्या है? राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। तो यू का यहाँ फुल फॉर्म क्या हुआ? उच्चतर। एक्सरसाइज मैत्री इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज दैट बिगन रिसेंटली बिटवीन इंडिया इंडियन आर्मी एंड विच ऑफ द कंट्री। जो जो ये अभी अभी जो अभ्यास जो है एक मैत्री एक्सरसाइज है उसको हाल ही में भारतीय सेना और किसने मिलकर शुरू किया है? यह है थाईलैंड से, थाईलैंड की राजधानी है बैंकॉक। ये एक्सरसाइज मैत्री इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया आर्मी एंड रॉयल थाई आर्मी which is running on in Thailand. It is a platoon level exercise which compromises of infantry component. Okay. Niti Aayog has identified home energy districts as aspirational districts of RUSA scheme. अभी जो RUSA scheme तो बताई थे तो उसके तहत जो नीति आयोग ने पहचान की है कि RUSA योजना के लिए कितने जिलों की महत्वाकांक्षी जिलों के रूप में जाना जाता है, 117 जिला को जो है वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में जाना जाता है। बस इसको इंग्लिश में बता देते हैं। और नीति का जो नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो पीएम होते हैं, नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो अमिताभ कांत हैं, और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं। ए मोटरसाइकिल मेकर बैनली साइंड एन MOU विथ तेलंगाना गवर्नमेंट एंड अधिश्वर ऑटो राइड इंटरनेशनल फॉर सेटिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी। बैनेली इज बेस्ड ऑन, जो अभी एक मोटरसाइकिल बनाता है, बैनेली है एक मोटरसाइकिल बनाता है ये, और ये सुविधा को जो मैन्युफैक्चरिंग सुविधा को स्थापित करने के लिए तेलंगाना सरकार और वहीं की जो अधिश्वर ऑटो राइड इंटरनेशनल है उसके साथ एक एग्रीमेंट किया है। बैनेली जो है वो कहाँ की कंपनी? तो ये इटली की ही कंपनी है, इटालियन मोटरसाइकिल मेकर बैनेली साइन एंड MOU तेलंगाना गवर्नमेंट
and Addis for Autorad International for setting a manufacturing facility, and the capital of Italy is Rome. Okay. Mughalsarai Junction of UP was named renamed as the 5th August 2018. Mughalsarai ko naam to usko pehle hi diya tha saal bhar pehle ya 9 mahina pehle saal bhar ho gaya lekin final isko jo approval mila hai ki nahi din diya aur Patiala Junction iska naam hai wo abhi mila hai 5 वर्ष पहले Mughalsarai jo hai wo UP mein hai aur ye sabse bada yard pucha hai ye bhi hai Indian jo sabse bada yard hai wo Mughalsarai mein hi hai Mughalsarai Junction और बहुत पुरानी जंक्शन है ये और इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया है फाइनली पहले ही था लेकिन अप्रूवल नहीं मिला था मंजूरी नहीं मिली थी कुछ आपसी विवाद हो गई थी कि नहीं मुगलसराय ही रहेगा तो फिर दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन को इसको नाम को फाइनली ये नाम रह गया वेयर इज इंद्रावती नेशनल पार्क लोकेटेड ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छा ही लगा होगा तो ये जो इंद्रावती नेशनल पार्क है बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में ये छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर छत्तीसगढ़ के सीएम है डॉक्टर रमन सिंह और छत्तीसगढ़ के जो गवर्नर हैं वो है बलराज रामजी दास जी टंडन ठीक है तो फिर आज का लास्ट क्वेश्चन था आशा करता हूँ आप लोग अच्छा लगा प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए शेयर कीजिए हमको मोटिवेट कीजिए आपके मोटिव से हम मोटिवेटेड होंगे और कोई भी अगर कमी खामी कुछ भी रहे तो उसको कमेंट कीजिए लाइक जरूर कीजिए नहीं पसंद है तो डिसलाइक कीजिए लेकिन कीजिए बस और बाकी सब ठीक है दोस्तों बाय कल फिर मिलते हैं